अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इतने सारे लोगों में वो कौन होगा? लंदन के मुकाबले यही एक अच्छा मॉल है मुंबई में, है ना? हाँ, नंबर तो उसी का, लेकिन किया के सामने बात कैसे करूं? मैसेज कर दी। क्या हुआ, फोन क्यों कट कर रही है? अरे कुछ नहीं, वो क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान कर रहे। अच्छा, उस तरफ फर्स्ट फ्लोर साड़ी सेंटर में चलते। अब हाँ हाँ चलो। फर्स्ट फ्लोर पर साड़ी सेंटर के पास आ जाओ, मैं वहीं आ रही है जो लोनावला में भी था। यहाँ कोई? चुपचाप चल गया। जय प्लीज, जय छोड़ो मेरे हाथ। देखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी सारी एस्टेट सबके सामने खोल के रख दूंगा, और वो भी सबूत समेत। नहीं है मेरे पास इतने पैसे। 15 लाख रुपए नहीं है तुम्हारे पास? नहीं है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, हाउ मच, कितने है तुम्हारे पास? मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए है, कहीं सुरक्षित जगह पे रखने हैं। फिलहाल मैं सिर्फ 10 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ। ठीक है, 10 लाख रुपए दो। एक शर्त पे। क्या? मेरे अतीत के जो भी सबूत है जो मेरे वर्तमान को बर्बाद कर सकते, वो सारे सबूत मुझे लाके दो, और आज के बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। इज दैट क्लियर? 5 लाख रुपए का घाटा और तुमसे दूर भी जाना पड़े, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल। फिलहाल मैं तुम्हें सिर्फ यही ऑफर कर सकती हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। रुको, ठीक है 10 लाख, लेकिन पूरे 10 लाख, वो भी एक साथ, टुकड़ों में नहीं। मंजूर है। कब, कहाँ, कैसे, ये मैं तुम्हें बातें बताऊंगी। फिलहाल यहाँ से जाओ, मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। प्लीज गो। ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूं। आई सेड लीव। देखो, मुझे मेरे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी सारी एस्टेट सबके सामने खोल के रख दूंगा। फिलहाल मैं सिर्फ 10 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ। ठीक है, 10 लाख दो। मेरे अतीत के जो भी सबूत, वो सारे सबूत मुझे लाके दो। जरूर कोई बड़ा चक्कर।
अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हेलो मम्मा, मम्मा मैं बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, आप जितनी जल्द से जल्द हो सके ना फंसती मॉल आ जाओ। मम्मा मैं, आप आएंगी तो बताऊंगी ना आप। मम्मा मैं ठीक हूँ, आप बस आइए जल्दी। ओके बाय बाय। ये टोस्टी कहाँ चली गई? किया, टोस्टी कहाँ रह गई थी तुम? अरे कुछ नहीं, वो मम्मा का फोन आ गया था, अर्जेंटली बुलाया मैंने। चलो चलो चलो। अरे हम तो यहाँ आ गए हैं, लेकिन टोस्टी कहाँ रह गई? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? आंटी रिलैक्स, कहाँ जाएगी, आ जाएगी। पापा पापा जी मेरी बच्ची को सही सलामत यहाँ पहुँचा देना। टोस्टी टोस्टी यहाँ, टोस्टी आ जाओ, आ जाओ। कैसी है? ठीक हूँ मैं। अरे पर तूने इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया हमें? तू तो ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ, कोई गड़बड़ हो गई मॉल में? मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई मम्मा, तो उस रिया के साथ गड़बड़ हुई। मतलब ये कि मुझे तो लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकली। अच्छा You listen to me. देखो मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं तुम्हारी सारी अस्तें सबके सामने खोल के रख दूंगा, और वो भी सबूत समेत। फिलहाल मैं सिर्फ 10 लाख का इंतजाम कर सकती हूँ। ठीक है 10 लाख, लेकिन पूरे 10 लाख वो भी एक साथ। मंजूर, मेरे अतीत के जो भी सबूत हैं जो मेरे वर्तमान को बर्बाद कर सकते, वो सारे सबूत मुझे ला के दो, और आज के बाद मुझे ब्लैकमेल नहीं करो। इज दैट क्लियर? हो ना हो, उस आदमी का और किया का कुछ मेजर संबंध होगा, जरूर होगा, पर क्या? मम्मा यही तो जानना है ना। हाँ हाँ सॉरी सॉरी बोल। एक बार हम उस आदमी को जान जाएंगे ना, तो जिस अतीत के बारे में किया बात कर रही थी, वो यही आदमी हमारे सामने ला के रखेगा, आप देखना। हाँ हाँ, पर ये सब जानने के लिए तो करेगी क्या? हाँ, किया की असलियत कैसे साबित करेगी? मेरे पास एक मास्टर प्लान। क्या? मम्मा, हम में से कोई भी किया के अतीत के बारे में नहीं जानता। किया के अतीत के बारे में कौन जानता है? कौन? वो आदमी। अब हमें क्या करना है? स्टेप नंबर 1, उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना। वो कौन है? किया को कैसे जानता है? किया और उसका क्या रिलेशन है? है ना? सही है, बिल्कुल सही। एक बार सब पता चल गया ना, फिर ये जो सारी उलझी हुई गुत्थियां है ना किया की, सारी सुलझ जाएंगी। देख, सीधी सीधी बात ये है कि तुझे उस आदमी से सारी जानकारी निकालनी है, तो उसे कहीं बुला, मिल, बातों बातों में ऐसे जानने की कोशिश कर कि क्या। अम्मा, सब इतना सिंपल नहीं है। अभी तो बोला वो आदमी मुझे पहचानता है, उसने मुझे देखा हुआ है, मैं उसके सामने गई तो वो तो मुझे पहचान जाएगा। हाँ तो फिर कोई ऐसा बंदा उससे मिले जिसे उसने कभी देखा ना हो। हाँ, हाँ। Exactly my point. ऐसे कोई आदमी उससे जाके मिले जिसे वो पहचानता ना। करेक्ट, ये सही है। कौन? आप दोनों। क्या? अरे क्या नहीं, नहीं कुछ भी। मैं उसके सामने गई तो वो मुझे पहचान जाएगा। अगर तुम दोनों, मतलब आप और तू, उसके सामने गए तो वो नहीं पहचानेगा, इतनी तो हेल्प कर दे तुम। हाँ हाँ हाँ, हम मिल सकते हैं, हम मिलेंगे, ठीक है। और फिर मैं कराटे जानती हूँ। क्या ग्रीन बेल्ट तक किया है मैंने? नहीं 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 आंटी, मुझे डर लग रहा है ये। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तेरे साथ, इसलिए। नितिका प्लीज ना यार, मम्मा को देख के तो डर को भी पसीने आ जाते हैं। मम्मा ने तो क्या थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन तू डर मत, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूं। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं, मुझसे नहीं होगा। अच्छा एक मिनट टोस्टी। नितिका, अगर तूने वेद से जिंदगी में कभी भी सच्चा प्यार किया है और आज भी उसकी फिक्र करती है, तो इस किया के चंगुल से उसे निकालने के लिए तुझे हमारी मदद करनी पड़ेगी, ना टोस्टी के लिए
ना मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ वेद के लिए और अपने लिए। बोल, क्या बोलती है? ठीक है, चल मिला। समझ गई ना क्या करना है? हाँ, चल चल। मुझे डर लग रहा है। अरे भगवान, ये लड़की अभी तक डर की पूछ पकड़ के बैठी हुई है। मुझे ये बता कि डर बड़ा है कि वेद, मेरे मतलब है प्यार। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चल जल्दी से फोन लगा। चल, ये रहा उसका नंबर। मेरे फोन से मत लगा, ये नंबर है। लगा, फोन लगा। हाँ हाँ, लगा रही। रिंग चाह रही, कोई उठा नहीं रहा। उठाएगा। हेलो, हेलो, मैं क्रिस्टल रिसोर्ट से बोल रही हूँ। आपका मोबाइल नंबर हमारे कंप्यूटर द्वारा सिलेक्ट हुआ है, तो आप आ जाइए। नहीं, आपको आके फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए, मुझे नहीं चाहिए ऑफर, थैंक यू। पर सर, आप, मैंने कहा ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू। नॉट इंटरेस्टेड कहके फोन काट दिया तो काटेगा ना। ऐसे कोई बात करते हैं? मुझसे नहीं होगा। अच्छा तू सुन, मैं जैसे बोलती हूँ अब वैसे बोल, ओके? मैं तेरी प्रैक्टिस कराती हूँ, चल मेरे साथ बोल। हेलो, हाउ आर यू सर? मैं क्रिस्टल रिसॉर्ट से बात कर रही हूँ। हेलो, हाउ आर यू सर? मैं क्रिस्टल रिसॉर्ट से बात कर रही हूँ। अब हंस, वेरी गुड, तो सही जा रही है। चल अब फोन लगा। है नंबर। हेलो, हेलो, या हाउ आर यू सर? मैं क्रिस्टल। हेलो, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक्सक्यूज मी, आपको हमारी ऑफर नहीं लेनी तो कोई बात नहीं, मत लीजिए, लेकिन बात एक बार सुन तो लीजिए। आफ्टर ऑल 5 लाख और एक यूरो ट्रिप का सवाल है। यूरो ट्रिप? ऑफ कोर्स। 7 दिन और 6 रात यूरोप में? ओह नो सर, बिल्कुल भी नहीं। वो तो हमारा इंडिया पैकेज है, लेकिन हमारा जो यूरोप ट्रिप है, 15 फुल डेज का हॉलीडे ट्रिप है, वो भी 5 लाख कैश प्राइस के साथ। यही तो मैं आपसे कह रही थी। और आपको करना क्या है? बस एक सिंपल सा फॉर्म भरना है। अगर आपकी लॉटरी लग गई तो सब कुछ आपका। और अगर लकी ड्रॉ नहीं निकला तो? आप न्यूमरोलॉजी में विश्वास रखते हैं? Well, that depends. अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा बताएंगे तो करता हूँ। अरे आज से तो आपका अच्छा ही अच्छा होना, अब तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। पता है, मैं न्यूमरोलॉजी जानती हूँ। मैं आपको फुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके जो मोबाइल नंबर का टोटल है ना, वो आपके लिए बहुत 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 लकी है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ तक सर कि जब आप हमसे मिलने आएंगे फॉर्म भरने के लिए, तब भी हम आपको एक सुपर डुपर गिफ्ट देने वाले हैं। अच्छा, देखिए सर, अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई लालच देने की कोशिश कर रही हूँ। आप हमारा ऑफर रिफ्यूज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, रिफ्यूज कर लीजिए, लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप लॉटरी की टिकट देंगे तभी तो आपको लॉटरी लगने के चांसेस होंगे। Yeah, you got a good point. I agree with you. ठीक है, बताइए कब और कहाँ मिलना है? कहाँ आना है? फन सिटी मॉल में आ जाए। ठीक 3 बजे। आज 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 ही फन सिटी मॉल। अभी आधे घंटे पहले मैं वहीं से आ रहा हूँ, पहले पता होता तो। एनीवे इट्स ओके, आई विल सी यू देयर, थैंक यू, बाय। ओके बाय। मान गया मां, मान तो आपकी एक्टिंग को गए, महान हो आप। और आंटी, वो यूरो ट्रिप तो क्या फेंका आपने? अरे बेटा, अगर मछली सादे चारे से कांटे में ना फंसे ना, तो कांटा नहीं चारा ही बदल देना चाहिए। ओके, टाइम क्या हुआ है?
ये अब सिर्फ 55 मिनट बचे हैं 3 बजने में। चलो सारी तैयारियां करिए, लेट्स गो लेट्स गो। चलो एक मिनट, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। ओके चलो। जल्दबाजी में मैंने कह तो दिया कि मैं जय को 10 लाख रुपए दे दूंगी, लेकिन लेकिन कैसे? 24 घंटे इस घर में लोग रहते और अगर मैंने जय को पैसे नहीं दिए तो वो सबके सामने मेरी सच्चाई बता देगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। उसके बाद मेरी डैड की सारी जायदाद, सारे पैसे मेरे हाथ से निकल जाएंगे। क्या करूं मैं, क्या करूं? दस लाख रुपए लाएगी कहां से? ओ गॉड, और कहीं किया घर के पैसे? ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली भगवान जी, मास्टर प्लान तो आपका है। खूब खेल खेलो किया, मैं भी हर खेल में तुम्हारा साथ दूंगी। हाँ तेज, चाबी संभाल के रख दी है मैंने। हाँ नहीं नहीं नहीं, ड्रॉर में नहीं, तुम्हारी साइड का जो गद्दा है ना उसके नीचे। क्या मुझे इतना इरिस्पॉन्सिबल समझा है तुमने? पता है मुझे कि पूरे 10 लाख रुपए। अरे क्या बातें करते हो तुम भी, सब लोग क्या कर रहे हैं? दादाजी टीवी देख रहे हैं अपने कमरे में, मालती भाभी अपने रूम में आराम कर रही हैं, और मैं सफाई करके मिलने आ रही हूं तुमसे। अरे तेज, लेकिन सफाई तो करने दो, बिल्कुल सबर नहीं है तुम। आ रही हूं बाबा, निकल रही हूं घर से। ओके, चाबी तकिए के नीचे। अब यही एक रास्ता है। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।